तो भाइयों उदयपुर घटना के बाद जो लोग क्षत्रियों पर ट्रोल कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ लाइनें हैं। जिन्हें हमारी बलि प्रथा से समस्या थी, समस्या भी इतनी थी कि बाकायदा इस पर क्षत्रिय फिल्म बनाकर हमारे विरुद्ध ग्रीना फैलाई गई। जिन्हें हमारे हथियार रखने से समस्या थी, बाकायदा कानून बनवाकर हमारे हथियार रखने के अधिकार तक को हनन कर दिया गया। जिन्हें हमारे मूछ रखने और जहां तक कि हमारी कान की बाली तक से समस्या थी, और समस्या भी इतनी थी कि बाकायदा हमारी हर परंपरा को गुंडई का पर्याय बना दिया। उन्हें बस एक हमला होने पर राजपूत याद आ जाते हैं, और ये हमला भी किसी तुर्क ने नहीं किया बल्कि एक पसमांदा ने किया, जिन्हें हम ठाकुर दुनिया के सबसे कायर प्रजाति मानते हैं। तुम उससे तक ना रक्षा कर पाए, किसी तुर्क अफगानी के सामने कैसे रक्षा कर पाओगे, तो क्या हाल होगा तुम्हारा। खैर हमें क्या, हम क्षत्रिय तो कायर हैं, हमारे तो राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा वो तो युद्ध छोड़कर भाग गए थे। तुम अपने वीरता दिखाओ, तुम्हारे पास अपने वीरता दिखाने का पूरा मौका है। हम क्षत्रियों को आवाज़ ना दो। अगर तुम ऐसे ही क्षत्रियों को ट्रोल करते रहोगे जिनमें कुछ करने की हिम्मत थी, उनको तो तुमने मुगलपूत बता दिया, और मुगलपूत क्षत्रिय नहीं जैसे ट्रेंड चलवाते हो। अरे जब हमारे बाप दादाओं का राज था ना, ये तुर्की अफगान तक हिल जाते थे, ये तो है ही क्या चीज़ है। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन तक ज़रूर पहुँचाए जो भी क्षत्रिय समाज को ट्रोल कर रहे हैं।